नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची हैं। इस दौरान आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने चंद्र आचार्य चौक पर भगवान चंद्रमा की मूर्ति स्थापित कार्यक्रम में शिरकत की है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के साथ ही कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन और कुंभ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर लोग और साधु संत के साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद रहा है और प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में साधु संत पहुँचे हैं और पुलिस प्रशासन भी इस दौरान मौजूद रहा है। मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है। तो आपको बता दे कि इस दौरान साधु संत और साथ ही आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संत यहां पर मौजूद रहे हैं और चंद्रमा मूर्ति स्थापित की गई है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची हैं और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। चंद्रमा मूर्ति का यहाँ पर स्थापना की गई है। मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है, पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है, पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है, पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है, पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है, पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है, पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुझसे बहुत बार पूछा गया, अब तो वो प्रश्न कम उठता है, पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हरिद्वार से अगली खबर है, जहां पर आपको बता दें रमता पंचनागा सन्यासी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें आपको बता दें कि निरंजन पंचायती अखाड़े के रमता पंच और नागा सन्यासी निरंजनी पंचायती अखाड़े के SMJN PG कॉलेज की कुंभ मेला छावनी में प्रवेश करेगी। इस दौरान आपको बता दें कि इसके साथ ही शोभा यात्रा के साथ ही आपको बता दें कि तुलसी चौक देवपुरा ऋषिकुल चौक से होते हुए ये गोविंदपुरी स्थित SMJP PG कॉलेज परिसर में छावनी में पहुंचेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि शहर में जगह जगह संतों पर फूल से स्वागत किया जाएगा और वहीं निरंजनी अखाड़े में हवन और पूजा पाठ भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस दौरान काफ़ी संत भी मौजूद रहेंगे। और लोग इनका स्वागत फूल मालाओं के साथ करेंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का। धर्मनगरी हरिद्वार के मुख्य चौराहे में आपको बता दें कि सुमार चंद्र आचार्य चौक का HRD विभाग द्वारा आपको बता दें कि यहां पर नव निर्माण कराया गया है और साथ ही चंद्र भगवान की यहाँ पर भव्य मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है और जिसका चंद्र आचार चौक पर अनावरण के भव्य कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुँची हैं। साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण बाड़ा उदासीन अखाड़ा के साधु संत सहित भारी संख्या में यहां पर मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद रहा है।
तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा बनाई गई कोनील दवा पर इस दिन भी आपको बता दें विवाद घिरा रहा है, जिसके बचाव में बाबा रामदेव ने कोनील दवा पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही विरोध करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि कोनील सर्टिफाइड दवा है। और इसी के साथ ही बाबा रामदेव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मोदी के नाम पर बन रहे स्टेडियम के मुद्दे को भी राजनीतिक से प्रेरित बताया है। देखो, जो भी WHO ने GMP ने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, उन प्रोटोकॉल्स के अनुरूप और विश्व के 158 देशों में सर्टिफिकेशन मिला है, COPP मिला है पतंजलि को कि कोरोनिल को बेचने का, और कोरोनिल के साथ साथ शताधिक 100 से अधिक औषधियों को जो दिव्य और पतंजलि की है, ये अपने आप में भारत के इतिहास की पहली घटना है। और कोरोनिल एक साइंटिफिक एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है, इसमें किसी भी तरह का प्रश्न करना ये एक तरह से ओछापन और टूचापन है, ये ठीक है।